वीडियो पर एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिएगा, ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों Redmi Note सीरीज का न्यू स्मार्टफोन पोर्ट किया गया है, जो कि दोस्तों आपको इंडिया में 5G कनेक्टिविटी के साथ आने वाला है, और उसी के साथ दोस्तों Redmi K30 Pro का ये स्मार्टफोन रीब्रांडेड भी होने वाला है। तो दोस्तों Redmi Note 9 Pro और 9 Pro Max की यूज सक्सेस के बाद हम सबको इंतजार रहेगा Redmi Note 10 Pro का, और ऐसे में दोस्तों इसकी स्पेक्स और लीक सामने निकल कर आ गई है। जैसे कि यहाँ पर आपको मिलने वाला है MediaTek 800 dimensity का प्रोसेसर, और उसी के साथ पॉप अप सेल्फी कैमरा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है। और दोस्तों यहां पर आपको 64 मेगापिक्सल का कोड रियर कैमरा भी मिलने वाला है। दोस्तों चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस फोन के बारे में डिटेल में, कि क्या कुछ मिलेगा इस फोन में, क्या होने वाला है इसका प्राइसिंग, और कब तक इंडिया में आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसकी डिजाइन से। तो दोस्तों बैक साइड पर आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों ग्लास ग्रेडी फिनिशिंग के साथ आने वाला है, और उसी के साथ दोस्तों आपको बैक साइड पर कोड रियर कैमरा भी मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इसकी फ्रंट साइड की। तो यहां पर आपको 6.6 इंच का एक डिस्प्ले मिलने वाला है, जो कि दोस्तों यहां पर आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, और उसी के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है। और दोस्तों यहां पर आपको कोई भी नोच देखने को नहीं मिलती। सेल्फी के लिए यहां पर आपको पॉप अप सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आपको MediaTek 800 dimensity मिलने वाला है, जो कि दोस्तों 5G को सपोर्ट करता है, जो कि दोस्तों बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, और उसी के साथ दोस्तों Android 10 का सपोर्ट भी आपको इस फोन में देखने को मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की कैमराज के बारे में। तो दोस्तों आपको बैक साइड पर कोड रियर कैमरा मिलने वाला है, जिसका मेन सेंसर 64 मेगापिक्सल का होने वाला है, और यहां पर दोस्तों सैमसंग का GW1 सेंसर यूज होने वाला है, और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल, 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर भी मिलने वाला है। और दोस्तों बात कर लेते हैं वही सेल्फी कैमरे के बारे में। तो यहां पर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलने वाला है। तो दोस्तों देखा जाए तो Redmi Note 9 Pro से काफी इंप्रूव परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं Redmi Note 10 Pro में। और अब बात करते हैं स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में। तो दोस्तों यहां पर आपको 4700 mAh का बैटरी मिलता है, और उसी के साथ दोस्तों 27 वॉट का आपको फास्ट चार्जिंग इस फोन में देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों उसी के साथ आपको टाइप सी पोर्ट, 3.5 ऑडियो जैक और NFC का सपोर्ट भी इस फोन में आपको देखने को मिलने वाला है। और वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी स्टार्टिंग प्राइस की। तो दोस्तों इसका स्टार्टिंग प्राइस है 16,000 से 18,000 रुपये के बीच में। तो दोस्तों देखा जाए तो 18,000 रुपये में आपको मिल जाता है MediaTek 800 dimensity वाला प्रोसेसर, जो कि दोस्तों 5G को सपोर्ट करता है, और उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, पॉप अप सेल्फी कैमरा, 64 मेगापिक्सल का कोड रियर कैमरा और 4700 mAh का बैटरी, जो कि दोस्तों 27 वॉट के फास्ट चार्जिंग को आता है। तो दोस्तों देखा जाए तो Redmi Note 9 Pro से काफी इंप्रूव परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं Redmi Note 10 Pro में। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी लॉन्च डेट के बारे में। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन सितंबर महीने में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगने पर लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा, ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।